दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान सबसे बड़ा श्राप बन जाए तो क्या होगा? ऐसी कुछ होता है इस कहानी के लीड हीरो डेडपूल के साथ, जो एक गलती की वजह से अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा हमेशा के लिए खो देता है। फिर वो खुद को अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का दोषी मानकर कई बार मरने की कोशिश करता है, लेकिन अमर होने के वरदान की वजह से वो चाह कर भी मर नहीं पाता है। तो अब क्या उसे कभी अपनी लाइफ का कोई दूसरा पर्पस मिलेगा, या फिर वो मरकर वापस जिंदा होने के सैंडलेस लूप में फंसा रह जाएगा? जानने के लिए देखिए 2018 में रिलीज हुई फिल्म डेडपूल 2 की ये दिलचस्प एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हम डेडपूल को देखते हैं, जो अपने घर को आग लगाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। वो अपने सुसाइड की वजह बताता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि डेडपूल बिल्कुल सुपर हीरो जैसी एंट्री करके एक बार में अपने दुश्मनों से लड़ रहा है, और उसके पास एक ऐसी सुपर पावर है जिसकी वजह से वो अमर हो चुका है। यानी अब दुश्मन चाहे जितनी भी गोलियां मारे, ये मर नहीं सकता। डेडपूल को ये सुपर पावर्स मिली कैसे, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप डेडपूल पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। फिलहाल कहानी पर वापस आए तो डेडपूल एक एक करके अपने सभी दुश्मनों को मार देता है, हालांकि उनमें से एक बचकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन डेडपूल उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि आज उसे अपनी गर्लफ्रेंड वैनेसा के साथ मिलने जाना है। दरअसल आज इन दोनों की सेकंड एनिवर्सरी है, यानी आज ही के दिन 2 साल पहले इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। इसलिए अपने दुश्मनों को मारकर डेडपूल जल्दी घर आ जाता है और वैनेसा के साथ बैठकर फैमिली प्लानिंग करता है। तभी हाथ में गन लिए वो आदमी डेडपूल के घर पहुंच जाता है, जो कुछ देर पहले बार में बच निकला था। यहाँ इन दोनों की फाइट हो जाती है और इसी बीच वो आदमी गोली चलाता है, जो वैनेसा को लग जाती है और वैनेसा की वही मौत हो जाती है। ये देखकर डेडपूल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वैनेसा के कातिल को पकड़कर एक ट्रक के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। डेडपूल सोचता है कि अगर उस दिन मैंने बार में उस आदमी को मार दिया होता तो आज वैनेसा जिंदा होती। इसी गम में वो अपने आप को मारने की काफी कोशिशें करता है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि वो अमर है। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहां डेडपूल अपने घर को ब्लास्ट करके मरने की कोशिश करता है। तभी उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आता है, जिसमें वैनेसा उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग सही जगह पर नहीं है। ये भ्रम टूटते ही हम देखते हैं कि ब्लास्ट की वजह से डेडपूल के शरीर के टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। तभी उसका दोस्त कोलोसस वहां आता है और उसकी बॉडी के सभी पार्ट्स को बोरी में भरकर वहां से ले जाता है। अगले सीन में हम एक म्यूटेंट स्कूल देखते हैं, जहां एक छोटे बच्चे को लाया जाता है। स्कूल का प्रिंसिपल इस बच्चे से कहता है कि तुम डरो मत, तुम्हारा इलाज मैं खुद करूंगा। दूसरी तरफ अपनी हीलिंग पावर की वजह से डेडपूल की बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाती है और कोलोसस आकर उसे कहता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो, आज के बाद यही तुम्हारी फैमिली है और तुम हमारे साथ ही रहोगे। वहीं नेगासोनिक और उसकी पार्टनर आकर डेडपूल को हेलो करती है। आपको बता दें कि सुपर हीरो कोलोसस की पूरी बॉडी स्टील की होती है और नेगासोनिक अपनी बॉडी के चारों तरफ ब्लास्ट कर सकती थी। दूसरी तरफ हम केबल नाम के एक शख्स को देखते हैं, जिसके आसपास की सभी चीजें राख में बदली हुई थी। यहाँ केवल अपने हाथ की घड़ी के डायल को घुमाता है और उस जगह से गायब होकर ग्राउंड में पहुंचता है, जहां वो 2 बेकसूर आदमियों को मारकर उनकी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। वही म्यूटेंट स्कूल में प्रिंसिपल बच्चों से कहते हैं कि तुम्हें अपनी पावर्स को दुनिया से छुपाकर रखना होगा, जिसके लिए वो एक बच्चे को बुलाकर काफी टॉर्चर करते हैं, ताकि गुस्सा आने या फिर दर्द होने पर भी ये लोग दुनिया के सामने अपनी पावर ना लाने की तरकीब सीख जाए। मगर वो बच्चा इस दर्द को सहन नहीं कर पाता और स्कूल से बाहर आकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है। थोड़ी देर में एक्समैन टीम यानी डेडपूल, कोलोसस और नेगासोनिक भी वहां पहुंच जाते हैं और डेडपूल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा एक्समैन टीम के ऊपर आग के गोले फेंकने लगता है। तभी डेडपूल अपनी तलवार के पिछले हिस्से से उसके सर पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है और पुलिस उसे पकड़कर गले में एक डिवाइस लगा देती है, जिससे वो बच्चा अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मगर तभी डेडपूल को उस बच्चे के गले पर चोट के निशान दिखते हैं और वो समझ जाता है कि स्कूल में बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा था, इसलिए वो प्रिंसिपल पर गोली चला देता है। इतने में पुलिस उसे भी पकड़ लेती है और गले में पावर्स को रोकने वाला डिवाइस पहना देती है। अब डेडपूल और फायरफिस्ट नाम के इस बच्चे को आइस बॉल जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर म्यूटेंट क्रिमिनल्स को रखा जाता था। जेल में इन दोनों को एक ग्लास की जेल में रखा जाता है, मगर इस डिवाइस की वजह से डेडपूल की हीलिंग पावर्स भी चली जाती है और उसका कैंसर वापस आ जाता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होने लगती है। यह फायरफिस्ट डेडपूल को बताता है कि मुझे इतना गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाया, लेकिन यहाँ से बाहर निकलकर मैं सबसे पहले उस प्रिंसिपल को मारूंगा। अगले दिन ये दोनों खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ केबल पहुँच जाता है और इस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेडपूल उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस बच्चे को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई में डेडपूल ग्रिल से नीचे गिर जाता है
और उसकी हड्डियों के दो टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से उसके गले का डिवाइस भी टूट जाता है, जिससे उसकी सुपर पावर्स वापस आ जाती है। अब डेडपूल केबल को बहुत मारता है और बंदूक तान कर पूछता है कि बताओ तुम इस बच्चे को क्यों मारना चाहते हो। केबल कहता है मैं भविष्य से आया हूँ, लेकिन तुम उसके क्या लगते हो। तो डेडपूल कहता है मैं उसका कोई नहीं लगता, लेकिन उसे मेरे से उम्मीद है, इसलिए मैं उसे बचा रहा हूँ। इतने में डेडपूल उस आदमी के जैकेट पर लगे बम की पिन खींच लेता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और ये दोनों जेल से निकलकर नीचे गिरने लगते हैं। इस दौरान केबल तो चट्टान पकड़कर बच जाता है, लेकिन डेडपूल ठंडे तालाब में गिर जाता है। तभी उसकी आंखों के सामने फिर से वैनेसा आती और कहती है बच्चे ही हमें जीने का मौका देते हैं। इतने में डेडपूल का भ्रम टूट जाता है और वो तालाब से बाहर आकर अपने दोस्त से मिलने जाता है और कहता है कि मुझे उस बच्चे को बचाना होगा। यहाँ डेडपूल का दोस्त उसे बताता है कि पुलिस वाले म्यूटेंट की जेल बदल रहे हैं और उसी वक्त तुम उसे बचा सकते हो। दूसरी तरफ बच्चा डेडपूल की उसे दोस्त ना मानने वाली बात सुनकर काफी दुखी था, इसलिए वो खाना लेकर जेल के सबसे खतरनाक म्यूटेंट के पास चला जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। यहाँ डेडपूल अपने दोस्त के साथ मिलकर टीम बनाने के लिए ऑडिशन लेता है और यहाँ अजीबोगरीब सुपर पावर्स वाले 6 लोग को सिलेक्ट करता है। जैसे कि एक आदमी अपने मुंह से एसिड निकाल सकता था, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता था, तीसरा दूसरी दुनिया का था और चौथा इनविजिबल हो सकता था, और आखिरी मूंछों वाले आदमी के पास कोई सुपर पावर नहीं थी। वह इनकी टीम की 6 मेंबर डोमिनो नाम की एक लड़की थी, जिसका लक बहुत अच्छा था, जिसके बाद केबल डेडपूल के दोस्त को किडनैप कर लेता है और डराकर उसके सभी प्लान्स पूछ लेता है। अगले दिन डेडपूल अपनी टीम को लेकर पैराशूट्स की मदद से उड़ते हुए उस पुलिस ट्रक का पीछा करने लगता है, जिसमें उस बच्चे को बैठाकर दूसरी जेल शिफ्ट किया जा रहा था। यहाँ ये सभी क्रैश लैंडिंग करते हैं, लेकिन इनकी टीम की एक लड़की पुलिस वैन में बैठने में कामयाब हो जाती है। अब ये लोग वैन तक पहुँचते हैं, उससे पहले केबल वहाँ पहुँच जाता है और डेडपूल की टीम मेंबर डोमिनो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंड मोमेंट पर डेडपूल वहां पहुंच जाता है और डोमिनो को बचा लेता है। दूसरी तरफ वो बच्चा खुद की सेल में से निकलकर अपने बड़े दोस्त को भी आजाद कर देता है, जिसके एक वार से पूरी ट्रक पलट जाती है। अब फायर फिस्ट डेडपूल से कहता है कि जब मुझे बचाना था तब तो तुम वहां से भाग गए थे, और जायंट म्यूटेंट की ओर इशारा करके कहता है कि अब ये मेरा दोस्त है, तुम नहीं। फिर वो म्यूटेंट डेडपूल के पास आता है और उसकी बॉडी के दो टुकड़े कर देता है और बच्चे के साथ वहां से चला जाता है। आगे हम डोमिनो को देखते हैं, जो डेडपूल की बॉडी के दोनों हिस्सों को अपने कंधों पर बैठाकर घर ले जा रही थी। फिर आगे हम डेडपूल यानी कि वेट को उस बूढ़ी औरत के साथ बैठकर बात करते हुए देखते हैं। यहाँ वो काफी फनी लग रहा था, क्योंकि इसके पैर फिर से उग रहे थे। इतने में वहाँ केबल आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। आगे वो बताता है कि मैं फ्यूचर से हूँ और फ्यूचर में उस बच्चे ने मेरी फैमिली को मार दिया, और अगर आज उसने प्रिंसिपल को मार दिया तो वो बड़ा होकर भी बुरा बन जाएगा और लोगों की जान लेता रहेगा, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर डेडपूल कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम उस बच्चे को सुधारने का मौका दोगे। केवल इसकी बात मान जाता है। फिर डेडपूल कॉलोसिस की मदद मांगने जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उस जायंट म्यूटेंट को ये अकेले नहीं हरा सकते। लेकिन कॉलोसिस डेडपूल की मदद नहीं करता, क्योंकि वो रूठा हुआ था। आगे हम देखते हैं कि डेडपूल की टीम स्कूल के पास पहुंचती है, लेकिन वो बच्चा स्कूल में एंटर हो चुका था और दरवाजे पर वो जायंट म्यूटेंट पहरा दे रहा था। ये सभी उससे लड़ते हैं, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इतने में कॉलोसिस वहां आ जाता है और वो इस जायंट म्यूटेंट से लड़ने लगता है, जिसका फायदा उठाते हुए ये सभी स्कूल में चले जाते हैं और बाकी बच्चों को वहां से बाहर निकालते हैं। यहाँ फायर फिस्ट स्कूल के सभी गार्ड्स को भी मार रहा था, क्योंकि उन्होंने भी बच्चों को काफी टॉर्चर किया था। तभी केबल उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डेडपूल उसे इसका वादा याद दिलाकर बच्चों को समझाने के लिए एक मौका मांगता है। वहीं बाहर वो जॉइंट म्यूटेंट कॉलोसिस पर भारी पड़ रहा था, तभी वहाँ नेगासोनिक और उसकी पार्टनर पहुँच जाती है और ये तीनों मिलकर इस म्यूटेंट को खत्म कर देते हैं। यहाँ स्कूल में डेडपूल उस बच्चे को समझाता है कि अगर तुमने उस प्रिंसिपल को मार दिया तो तुम, मैं और उसमें कोई फर्क नहीं बचेगा। ये कहते हुए बच्चे को गले लगा लेता है, लेकिन बच्चा डेडपूल पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है। तभी डेडपूल अपने गले में डिवाइस पहन लेता है, जिससे उसकी सभी हीलिंग पावर्स खत्म हो जाती है। अब वो बच्चे से कहता है कि अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो मुझे मार दो, मगर गुस्से में वो बच्चा डेडपूल पर हमला कर देता है। ये देखकर केवल अपनी गन निकालता है और बच्चे पर गोली चला देता है, लेकिन तभी डेडपूल बीच में आकर खुद वो गोली खा लेता है, जिससे बच्चे को पछतावा होता है और वो डेडपूल से कहता है कि तुमने मेरे लिए अपनी जान गंवा दी। इतने में डेडपूल की जान चली जाती है और वो सपने में एक बार फिर अपनी गर्लफ्रेंड वैनेसा से मिलता है और काफी खुश हो जाता है। लेकिन वैनेसा उसे कहती है कि हम जरूर मिलेंगे, मगर अभी वो वक्त नहीं आया है, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। प्रेजेंट में केबल अपनी वॉच का आखिरी चांस यूज करके टाइम को रिवर्स कर देता है, लेकिन इस बार वो गोली उस जगह चलाता है जहां डेडपूल की जेब में एक सिक्का रखा हुआ था, जिससे उसकी जान बच जाती है। आपको बता दें, केबल का आखिरी चांस था, यानी कि अब वो अपनी बीवी और बेटी से मिलने फ्यूचर में कभी नहीं जा पाएगा। अब डेडपूल केबल से पूछता है कि तुमने अपना आखिरी चांस इस्तेमाल क्यों किया, तो केबल कहता है जैसे तुमने इस बच्चे को मर्डर करने से रोककर मेरी मदद की,
यानी कि अब ये फ्यूचर में मेरे परिवार की जान नहीं लेगा। वैसे ही मैंने तुम्हारी मदद की, मैं यहाँ कुछ साल इंतजार करूंगा और फिर अपनी फैमिली के पास चला जाऊंगा। इतने में वहाँ प्रिंसिपल आकर इन्हें कहता है कि मैं तुम सभी को मार दूंगा। तभी वहाँ डेडपूल का फेवरेट टैक्सी ड्राइवर दुपिंदर आ जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम मारोगे हमें। फिर वो अपनी टैक्सी उस प्रिंसिपल पर चला देता है जिससे वो मर जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि नेगासोनिक और उसकी पार्टनर केबल की वॉच को ठीक कर देती है, जिसे पहनकर वेट ऑफ डेडपूल भी अपनी गर्लफ्रेंड वैनेसा से मिलने चला जाता है और फिर फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको डेडपूल पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।